हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड वेरी गुड डूइंग एक्सीलेंट इन योर लाइफ्स। और अगर नहीं तो करीब करोगे क्योंकि आप फोड़ने वाले लाइफ में। ओके, ठीक है। सो बिफोर लेटिंग यू ऑन नो व्हाट दिस वीडियो इज अबाउट, ये TMT 3 मिनट थर्सडे क्या चीज़ है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं अब इस वीडियो के लिए। वो है मैं कौन हूँ, दूसरा ये TMT जो है ये क्या है, और तीसरा ये जो टॉपिक है। ओके, सो ठीक है। सो बेसिकली मैं अगर जो पहले से सब्सक्राइब है उनको पता होगा मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, और एक मास मीडिया स्टूडेंट हूँ। 3rd ईयर में हूँ करेंटली, दिस ईयर अभी जाऊँगा। ओके, एंड ऑल्सो आई लव लॉट ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड लॉट ऑफ यू नो फिलोसफीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज आई राइट लॉट ऑफ कोट्स ऑल्सो एंड पोएट्रीज ऑल्सो। बट टू गेट टू नो मी इन अ वेरी डीपर सेंस, आई हैव ऑल्सो पर्पज, एंड दैट पर्पज इज TMT। एंड उस पर्पज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, कहीं ना कहीं वो मीनिंग को पूरा मीनिंगफुल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एंड दिस इज TMT इज ऑल अबाउट, 3 मिनट थर्सडे। सो वॉट आई विल डू इज हर वीक एवरी थर्सडे आई विल ड्रॉप अ वीडियो ऑन YouTube एंड टॉक टू यू गाइज फॉर 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, वट एवर, बिकॉज द सीरीज नेम इज 3 मिनट्स, बट कुछ चीज़ें लंबी अच्छी होती है। वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, वो सेल्फ हेल्प पे हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी फिर है, फिर बाद में आई थिंक मैंने 2nd टाइम स्पिरिचुअलिटी बोला, या लिमिट, ओके, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो बाकी सेल्फ हेल्प, आपको डिसिप्लिन सेट करना है लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें जो गोल रिलेटेड हैं, आप कैसे अपने माइंड को अच्छे तरीके से ऐसे कैसे ट्रेन करें। ओके, सो ना Starting the topic of today, that is taking the first step. So basically, उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। स्टोरी ये है कि it's around 30-40 years ago, there was a man who used to live in a village. His financial conditions were very, you know, low. मतलब वो इंसान क्या करता था, खेती करता था, ओके, और ये सारी चीज़ें उसके घर पर, जो financial crisis, आप समझते हो ये चीज़ कि जो financial crisis होती है ये कैसी होती है, तो वो सारी problems थी। What this man did is, one day he decided to move and do something in life. He took a bus, he ran away from his village, and he took a bus and came to a city, and nobody knew it. And continuous 15 to 20 years he had done this work to feed his family in the right way. And I'm very surprised to tell you that, who is that person? That person is my father. All you see is this nice camera and that background blur and this nice guy sitting here putting a nice chandan on his forehead, okay, and talking and having a confidence to talk like these things on a very large platform is a very big thing. And that all is given by that one person, that my father is. He just ran away from his village and that's it, because he took his first step. Because that's only the one step that you have to take in your life. And after that, every risk you take becomes like a play. ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, इसको मैंने बनाने के पहले 4 दिन तक 5 दिन तक 1 हफ्ता मैंने कम से कम, मैं बोल सकता हूँ, हाँ कम से कम मैंने 1 हफ्ता इसको दिया है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कोई देखेगा भी कि नहीं, कि मैं फेमस इंसान तो हूँ नहीं, मेरी बात कोई सुनेगा तो नहीं, तो मैं क्यों ये मोटिवेट करने लग रहा हूँ लोगों को। लेकिन एट द सेम टाइम आई अंडरस्टूड दिस, देयर आर मेनी पीपल हु डिड इट and they are doing it. और कहीं ना कहीं यही मेरा purpose है, मैं अपने videos के through, art के through, मैं vlogs भी बना रहा हूँ, तो एक तरह का life का एक अलग perspective उसमें भी मैं दिखाना चाहता हूँ, and that's all my purpose is. मैंने अपना first step ले लिया है, मैंने ये video बना दी है, क्योंकि देखो मैं क्या सोच रहा था एक दिन कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, तो मैंने first step ये लिया कि अभी clarity चाहिए कि क्या करना है, वही पता लग गया कैसे करना है। हमको आता है भाई, मैं एक वीडियोग्राफर हूँ, फोटोग्राफर हूँ, खुद को तो मैं फिल्म कर सकता हूँ, तो आई नो दिस वेरी वेल हाउ टू डू इट। तब जाके कहीं ना कहीं 1 हफ्ते में मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ कि भाई अब तेरे को ये करना है, तेरा पर्पस यही है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो के थ्रू, हर एक पोस्ट के थ्रू, उनके कैप्शंस के थ्रू, हर एक इंसान कुछ ना कुछ बताना चाहता है जो कि मीनिंगफुल है, एंड दैट्स वॉट पर्पस इज। अगर तुम भाई लाइफ में कहीं भी हो ना, तुम्हारा जो ड्रीम है, तुमको पैशन है, कुछ भी है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, फॉलो करो लिटरली। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कंटेंटमेंट देता है। सो जहाँ भी हो ना, कैसे भी हो ना, आप बस उस पाथ को फॉलो करने लगो। एंड बस मैं बोल रहा हूँ, एक ही स्टेप है वो जो सब कुछ क्लियर कर देगा। जब आप एक स्टेप लेते हो तो आपके आगे के 5 स्टेप्स आराम से दिखते हैं आपको, ओके,
क्योंकि वो पहला स्टेप अगर किसी ने नहीं लिया ना तो आगे का मैपिंग नहीं कर पाएगा इंसान. इट जस्ट लाइक दिस, यू वॉन्ट टू गो समवेयर एंड यू ओपन द गूगल मैप बट यू हैव टू पुट द लोकेशन, दैट्स इट. आपको वो रिस्क, वो फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, तब जाके आपको आगे का रास्ता दिखेगा. सो टेक ये फर्स्ट स्टेप. आई होप यू विल डू इट बेटर. ऑल द बेस्ट.